अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद नबी शरीफ में हूँ, जुहर की नमाज़ पढ़ने आया। माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। आप लोग हमारी वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम आप लोग को आज गुंबद खजरा की और मस्जिद नबी शरीफ के अंदर की ज़ियारत कराएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। जी दोस्तों, आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम आप लोग को मस्जिद नबी शरीफ के अंदर की ज़ियारत कराएंगे, उसके बाद गुंबद खजरा की ज़ियारत कराएंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर की। जो दोस्तों, ऐसे आप लोग हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक हर मोमिन हर मुसलमान को हज उमरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, जो परेशान है अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबत, तमाम बीमारियाँ दूर फरमाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक हर मोमिन हर मुसलमान को हज और उमरा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जो परेशान है अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबत, तमाम बीमारियाँ दूर अता फरमाए। माशाल्लाह मस्जिद नबी शरीफ में हाजी लोग से फुल है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जान होने वाली है इंशाल्लाह। ऐसे आप लोग हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। माशाल्लाह भी आप लोग अंदर की ज़ियारत कीजिए इंशाल्लाह, उसके बाद गुंबद खजरा की ज़ियारत कराएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को हज और उमरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, जो परेशान है अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबत, तमाम बीमारियाँ दूर फरमाए। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में मौला उनकी हर बला, हर मुसीबत, हर बीमारी से दूर अता फरमाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। ये दोस्तों, बस ऐसे आप लोग हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम आप लोग को वीडियो मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत कीजिए, उसके बाद गुंबद खजरा की ज़ियारत कराएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर मोमिन हर मुसलमान को हज और उमरा करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी आप लोग ऐसे हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम आप लोग को मस्जिद नबी शरीफ के अंदर की ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक हर मोमिन हर मुसलमान को गुंबद खजरा की माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। जी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हाजी लोग से फुल भरी है। माशाल्लाह या अल्लाह, इस साल जो हज पे आए अल्लाह उनके हज को बुलता फरमा। या अल्लाह, जो रह गया अल्लाह, या अल्लाह पाक उनको अगले साल हज और उमरा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं अल्लाह उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबत, तमाम बीमारियाँ दूर फरमा। जी हम नमाज़ पढ़ के जोहर के बाहर आ गए, आप लोग ये बाहर की ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। जी हम लाइन में लगे हैं माशाल्लाह। जिस गुंबद खजरा की आप लोग ज़ियारत कीजिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया। जी दोस्तों, आप लोग हमारे साथ पढ़ लीजिए। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह,
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह पाक हर मोमिन हर मुसलमान को